दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वृंदावन के मंदिरों में रंगजी मंदिर सबसे खास मंदिर है। इस मंदिर में एक नहीं बल्कि बहुत सारी खासियतें हैं। आज हम आपको बताएंगे इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस मंदिर में एक ऐसा दरवाजा है जिसके बारे में बताया जाता है कि वो दरवाजा स्वर्ग का दरवाजा है। जी हाँ, ये दरवाजा साल में सिर्फ एक बार खोला जाता है। मान्यता है कि जिसने भी इस दरवाजे को पार किया उसे मोक्ष मिल जाता है। इस रहस्यमयी दरवाजे के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये मंदिर इतना खास क्यों है। तो हम आपको बता दें कि इस मंदिर का निर्माण दक्षिण भारतीय द्रविड़ वास्तुशिल्प शैली में हुआ है। ये वृंदावन का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि आपको दक्षिण भारतीय मंदिरों की झलक दिखलाता है। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी दक्षिण भारतीय मंदिर में आ गए हैं। मंदिर में पुजारी भी दक्षिण भारतीय हैं। इस मंदिर में 108 पुजारी पूजा करते हैं। यहाँ जो श्री रंग जी की मूर्ति है, वो मूर्ति भगवान राम ने विभीषण को दान में दी थी। मान्यता है कि इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को राजा इक्ष्वाकु ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से मांगा था। मूर्ति को अयोध्या में स्थापित किया गया था। राज्याभिषेक के दौरान जब श्री राम सभी को दान कर रहे थे, उस दौरान विभीषण ने उनसे श्री रंग जी की मूर्ति मांगी और कहा कि वह इसे लंका में स्थापित करना चाहते हैं। बताया जाता है कि जब विभीषण ने मूर्ति को यहाँ रखा, इसके बाद वो उसे उठा नहीं सके। बाद में इस मूर्ति की जगह पर मंदिर बनवाया गया। यह मंदिर दक्षिण भारतीय रंगनाथ मंदिर की तरह है। इस मंदिर को एक जैन कारोबारी ने बनवाया था। इस मंदिर में एक खास दरवाजा है जो कि साल में एक बार खुलता है। उस दरवाजे को वैकुंठ का दरवाजा कहा जाता है। यह केवल वैकुंठ एकादशी के दिन खोला जाता है। बताया जाता है कि जो भी इस दरवाजे को पार करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैकुंठ एकादशी के दिन सुबह 4 बजे मंगला आरती के लिए दरवाजा खुलता है और भगवान की 11 पालकी इस दरवाजे से मंदिर में आती है। पालकी के साथ हजारों लोग इस दरवाजे से प्रवेश करते हैं। इस मंदिर में एक विशाल खंभा है जिसे सोने का खंभा कहा जाता है। इसी कारण इसे सोने के खंभे वाला मंदिर भी कहा जाता है। इतनी सारी खास विशेषताओं के चलते इस मंदिर को वृंदावन के खास मंदिरों में गिना जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप वृंदावन आए तो इस मंदिर में विराजमान श्री रंग जी के दर्शन करने जरूर आइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा। ऐसी ही खास जानकारी भरी वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।